फेवरेट मूवी है हमारी। आवा तू। मेहर मियां, दुनिया में सबसे महंगी चीज कहाँ मिल रही मालूम? अरे कहाँ मिल रही? लंदन में मिल रही या अमेरिका में मिल रही? नहीं रे मियां, आजकल कभी पेट्रोल पंप गया क्या? होशे उड़ जाना पेट्रोल की रेटा देख के। हाय शार्क्स, दिस इज निखिल, दिस इज मेहर। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, लेकिन आज के जमाने में हम सब लोग हार रहे, क्योंकि पेट्रोल की दाम के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत बढ़ जा रहा है। सही बात। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए गैरेट मोटर्स। गैरेट मोटर्स एक ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल एंड ट्राइसिकल बनाती है, और वो भी सिर्फ 24,000 में। एक सिंगल चार्ज में ये 60 किलोमीटर तक चल सकती है, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ये एक नंबर का चीज है। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि आज के जमाने में जैसा हर घर में स्मार्टफोन और बोट के ईयरफोन है, हमारी गाड़ी भी घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारा आस्क है 75 लाख रुपीज 2% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, क्या आप हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि ये चीज बड़ी है मस्त। आप लोग फाउंडर ही हो ना? यस। ये लोग बाहर से कोई वो तो नहीं लाए ना एक्टर्स? नहीं 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 नहीं, नहीं। पक्का? पक्का प्रॉमिस। आप हैदराबाद से हो क्या? हैदराबाद से फाउंडर है। अरे मस्त एक्सेंट है आपका, लव इट। थैंक यू। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 24 है। मेरा 26 है। कैसे ये सब शुरू हो गया साइकिल का सिलसिला? मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, लड़की तो नहीं थी तो मोटिवेशन नहीं था। तो इसीलिए कैंटीन में बैठता था। कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं था। तो इसीलिए खुद का एक कॉफी शॉप स्टार्ट कर लिया। अरे वाह। कॉलेज वाले ने बोला, भाई तू इधर पढ़ने आए हैं, बिजनेस करने नहीं, तू कॉफी शॉप बंद कर। तो उस कॉलेज वाले को कॉफी शॉप बेच लिया। कितने में बेचा? 75,000 में। वाओ, वेरी गुड। कॉफी शॉप में बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे आ रहे थे, तो क्राउड बहुत पुल हो रहा था। इसीलिए हमने क्या करा, एक CSE वाले बंदे को बाया, कुछ कर सकता है तू इधर? तो उन्होंने बोला, भाई QR कोड लगाएंगे और तू प्री ऑर्डर कर सकता है। तो मैंने अमीगो करके मैंने एक ऐप चला दिया, और उधर से जब कॉफी शॉप बंद हुआ, वही QR कोड मैं रेस्टोरेंट में लगाना शुरू कर दिया, और नया कंपनी फाउंडर बन गया मैं। और स्टार्टअप वार्टअप कर लिया, डायरेक्टर का नाम छपा लिया, प्राइवेट लिमिटेड भी कर लिया। और 6 महीने में हमने 300 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में थे। तब जब ये कर रहे थे, लोकल एक POS कंपनी ने अप्रोच किया हमको, और उस कंपनी को हमने ये बेच लिया 2 करोड़ में। एंड 19 साल के उम्र में मेरे पास 2 करोड़ आ गए। तो हमने 1-2 लैंड खरीद ले, और मेरा फाउंडर मिल गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप लगाने का। क्या स्टोरी है यार, ये कहाँ से मिल गया आपको? ये मेरा सुपर सीनियर है। ट्राइसिकल बिजनेस है आपका? हाँ, और उससे ये साइकिल की जर्नी कैसे आ गई अब? अच्छा, एक्चुअली बाइसिकल से शुरू किया हमने, फिर हमारे पास एक स्पेशली एबल्ड आदमी आता है, बोलता है, भाई तू ये मेरे को कर सकता है क्या? बोला चैलेंज के लिए लिया। वो ट्राइसाइकिल दिख रहे ना आप रेड कलर की, तो वो उसको ट्रांसफर करके दे दिया। 1 महीने के बाद वो वापस कॉल करके बोलता है, भाई सुन, मैं 36 इयर्स में ना सनराइज नहीं देखा, तेरे साइकिल की वजह से मैं आज हर सुबह मिल्क पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ और 300 रुपए दिन का कमा रहा हूँ। अरे क्या बात। ये स्टोरी इतना मूविंग लगा हमको, हमने वो विजन कंटिन्यू किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1500 साइकिल गवर्नमेंट को बेच दिया। वाओ वाओ, वेरी नाइस। मैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बस नंबर बता दो, इक्विटी निकाल दो। थैंक यू। अच्छा, मतलब मेरा ऑफर कंफर्म है, अनलेस एंड अंटिल कुछ रेड फ्लैग दिखेगा, बट नहीं नहीं। एक ना चीज होती है, जैसे अभी पीयूष ने बोला टू गुड, समटाइम थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू। यस। तो मैं भी आप में अब मैं डिफेक्ट ढूंढना शुरू करूं। तो आपकी इक्वल शेयर होल्डिंग है दोनों की? नहीं, 60-40 है। क्योंकि मैं बिजनेस एक्सपीरियंस ला रहा था पहले, तो वो डिसाइड किया था हमने 60-40 करा। अभी आपका क्या रेवेन्यू है? तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4 करोड़ तो रेवेन्यू कर दिया। 21-22 में आपने कितना? 3 करोड़ करा। लास्ट 4 मंथ में हमने 1.5 करोड़ करा। तो 4 करोड़ कहां से आया?
अभी तक आज तक जितना रेवेन्यू करे वैसे बोलना चाहे अच्छा तो आप नॉट लास्ट फाइनेंशियल ये सैंपल है या ये चलती है चलती है तो हम चला के देख लें प्लीज 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 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपने 3 crores किया और अभी दिस फाइनेंशियल ईयर कितना करोगे ट्राइसाइकिल और बाइसाइकिल में मिला के हमारा प्रोजेक्शन इस साल 20 करोड़ है ये पिछले महीने कितना किया लास्ट महीने 50 लाख तो आप 2 crore के रन रेट पे कैसे पहुंचे वी हैव ऑलरेडी अ साइंड ऑर्डर फ्रॉम अ गवर्नमेंट एंटिटी टू गिव दोस ट्राइसाइकल्स फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल फॉर 20 crore rupees इन दिस ईयर तो 20 crores कैसे फिर तो 26 crore हो जाएगा आपका रेवेन्यू 26 crore कैसे होगा अभी ऑलरेडी 50 lakh रेवेन्यू रन रेट है ना आपका हाँ आज 50 lakh और 20 crore का ऑर्डर मिल गया जो आप ये साल में फुलफिल करोगे ये साल में फुलफिल पूरी नहीं कर पाते नहीं होएगा समझ गया अभी आप प्रॉफिट बना रहे हैं लास्ट टाइम हमने करीब करीब 8 lakh प्रॉफिट किया है इस महीने भी वही 9 lakh से 10 lakh प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब हम टेस्ट ले सकते हैं सैंपल डेफिनेटली डेफिनेटली प्लीज मैं ट्राइसाइकिल चलाऊंगी भाई तो सही है यार ओह इट्स सो मच फन ब्रो This is too good. This is outstanding. Chalo, bhai, mera kaam to ho gaya. Goodbye, everyone. Bye, bye. Goodbye. Agle season mein milenge. What are you saying? What are you saying? What are you saying? Yeah, mere ko na 10x idea pasand hai. Ye 10x lag raha hai. आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक करना है और ये कैसे ट्रिगर कैसे हुआ है जब इलेक्ट्रिक स्कूटीज आना शुरू हुई मार्केट में ब्रांडेड कंपनीज 1 lakh 1.5 lakh बेच रहे थे तो 50,000 और 40,000 में खरीदने वाले जो बाइक्स है पैशन प्रो है स्कूटी पेप है वो मार्केट अधूरा पड़ जाता था तो ये हम वो स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे थे क्योंकि हमने ओमनी नैनो बनाया मगर उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे थे ओमनी को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक में इंजन उठा लिया और इलेक्ट्रिक इंजन डाल दिया बैटरी वैटरी लगा दिया 1.5 lakh का खर्चा पूरा ओमनी कन्वर्ट हो गया तब हमारे पास उतना पैसे नहीं थे तो मैं बोला साइकिल्स करेंगे क्योंकि ऑटो ओमनी तो चल नहीं रही बहुत पैसे लगेंगे तो फिर साइकिल्स करना शुरू किए तो चलिए आप गाड़ियों से साइकिल पे आ गए अब ये बताइए साइकिल्स में 3-4 मॉडल दिख रही है अलग अलग एक जो मैंने चलाई वो ऑरेंज थोड़ी हैवी है और बाकी सिमिलर तो इसमें कोई डिफरेंसेस है आप जरा पॉइंट आउट कर सकते हैं दिस इज द बेसिक मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज L एंड दिस इज I दिस इज F एंड दैट इज E पूरा मिला के लाइफ बनता है L I F E वेरी गुड तो 24000 वाली कौन सी है L स्टार्ट्स एट 24000 I 28 34 एंड 38 तो स्पेक्स अलग-अलग है मोर पावरफुल स्पेक्स अलग-अलग है मगर परफॉर्मेंस सेम है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बैटरी पैक है वो आप निकाल के चार्ज करते हैं कि उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इट इज अ डिटैचेबल बैटरी एल्यूमिनियम केसिंग के साथ आता है जो कूल करता है बैटरी को हर समय तो जल नहीं जाएगा कुछ नहीं नहीं जैसे नहीं, हम स्कूटर को जलते देख रहे हैं आजकल नहीं नहीं वो बैटरी आप डिटैच करके दिखा सकते हैं यस और कितने घंटे में चार्ज होती है ये 2 घंटे में चार्ज होती है वो बड़ी बैटरी 3 घंटे में ये क्या लेड एसिड क्या कौन सी बैटरी इट्स अ लिथियम आयन बैटरी तो हम बैटरी बॉक्स क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं बैटरी बॉक्सेस को आई लव इट एक ये जो हब रहता है इधर मोटर रहता है जो व्हील को घुमाता है और इससे कनेक्टेड रहता है ये बैटरी हर लोग सभी जो मार्केट में चल रहे हैं ये कंट्रोलर और बैटरी सब अलग रखते हैं क्योंकि वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उस पे प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो ये हमने एक ही कर दिया और ये आपने इंडिया में बना रहे हैं ये इंडिया में बना रहे हैं वो भी हैदराबाद में वेरी गुड तो हमने जब ये रिसर्च R&D डेवलपमेंट कर रहे थे ना तो हम बहुत सारे इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे थे क्योंकि ये मेक इन इंडिया करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे मगर हर कोई ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और असेंबली यूनिट की तरह ही देख रहा है मगर टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह नहीं देख रहा था तो हमने ये करा इसको एक सेपरेट एंटिटी में रजिस्टर किया और 2 different एंटिटीज बनाया तो उसके लिए हमने एक राउंड रेस किया $2 million के वैल्यूएशन पे हमने 3 crore रेस किया 3 crore आपने रेस किया और वो एकदम अलग कंपनी टेक्निकली इट इज डिफरेंट एंटिटी वो वाली का क्या नाम GHM Labs Private Limited तो उसमें भी आप पार्टनर हो यस पार्टनर हो इसका नाम क्या एंटिटी का ताकि कंफ्यूजन ना गियरेड मोटर्स बट वो इन्वेस्टर जो है लैब्स में वो इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो इन्वेस्ट कर रहा है मगर हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे को इधर प्रोडक्ट वाला बंदा चाहिए सिर्फ मनी नहीं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया करे
जिसमें अलग इन्वेस्टर्स रहेंगे उसमें अलग इन्वेस्टर्स रहेंगे। इसमें कोई इन्वेस्टर नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर होती लैब्स में, हाँ, जो अलग कंपनी है, अगर आप एज अ फाउंडर मुझे परमिशन नहीं देंगे इसमें इन्वेस्ट करने की, मुझे बहुत बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि जो अपसाइड है, जैसे पीयूष ने बताया 10x, 100x, वो अपसाइड ये कंपनी में है। यस। तो अगर मैंने आपका साथ दिया, यस, उस कंपनी में, यस, जब आप छोटे थे, और अब इस कंपनी में जहाँ अपसाइड है आप किसी और को लेके आ रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो वो तो बुरी बात हुई ना। उनके साथ किया, हमारे साथ करेंगे तो? मैं बहुत ही श्योर हूँ अगर आज आपको यहाँ डील मिलेगी तो एक ही कंडीशन में मिलेगी, ये दोनों कंपनी सेम है, मर्ज होंगी। करेक्ट? करेक्ट, मर्ज कर सकते हैं। कल रात को हमने उनसे बात भी किया। हमको पता था ऑब्वियस ये क्वेश्चन आएगा। आपके पास कंबाइंड ऑफर है, हाँ, फिर आगे बात करते हैं, अदरवाइज आई एम आउट। आई डोंट नो अबाउट द अदर। आई एम आल्सो आउट अनलेस इट्स कंबाइंड। ऑफ कोर्स कंबाइंड ऑफर है 1 करोड़ रुपए, 3% इक्विटी के लिए दोनों कंपनीज मर्ज करेंगे। पहले आपने कहा 37.5 सीआर, यस, फॉर 75 लाख वैल्यूएशन, यस, अभी आपका वैल्यूएशन हो गया 33.3 करोड़, यस, 4.5 करोड़ से गिर गया। 15 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है ना, तो एवरेज कर लिया मैंने। ओके ओके, इसमें एवरेज नहीं, इसमें सम होता है, बट गुड। ई बाइसिकल्स का मार्केट साइज क्या है इंडिया में? ग्लोबली इट्स $60 billion, इंडिया में $30 billion. $30 billion है, यस। 2,10,000 crore, आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है। I'm sorry, but your numbers are not correct. निखिल मेहर, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एंटरप्रेन्योर्स हो। आई थिंक फर्स्ट टाइम इतने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ भी हो सकता है। या तो आप यूनिकॉर्न बना दोगे या आप जेल भी जा सकते हो। मतलब मेरे लिए अभी ये बहुत कंफ्यूजिंग एंड रिस्की प्रोपोजिशन है, तो इससे मैं आउट हूँ। थैंक यू निखिल मेहर। एक मस्त बात बताऊं? या आप बहुत मस्त हो। थैंक यू। लेकिन मेरे को दो प्रॉब्लम है। एक, आप अभी तक मेरे को मार्केट साइज और इंडस्ट्री नहीं समझा पाए हो, आपके नंबर्स गलत है। दूसरा, आप केले के छिलके की तरह बड़े स्लिपरी हो। आप एक बात कहते हो वो तुरंत बदल जाती है, फिर दूसरी बात कहते हो फिर वो तुरंत बदल जाती है। तो फॉर दीज रीजंस मैं आज बाहर होना चाहूंगा। पहले आपने बताया कि वो पुराने इन्वेस्टर्स को हम इसमें नहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे बिकॉज हमको कोई प्रोडक्ट टाइप का इन्वेस्टर चाहिए। फिर तुरंत उसके 5 मिनट के बाद जब मैंने बोला अरे लेकिन उनको तो चीटेड लगेगा, तब आपने बोला अरे उनसे बात हो गई कंबाइंड करके, दे आर ओके। वो उसके वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट, एक भरोसा थोड़ा कम हो गया मेरा। सो आई एम आउट। मैं एक चीज बता दूं, मेरे को ना अभी कोई एक पिक्चर है गोलमाल। देखिए सब गड़बड़ी है। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाओगे ना तो मैं तो आउट हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूं। भाई सिंपल है, ये तो इलेक्ट्रिक बाइसिकल अपन बेचेंगे, ठीक है। इसमें IoT डिवाइस आप खुद बनाते हैं, ठीक है। जो GHM लैब्स करके एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। उधर से ये अभी एक सिस्टर कंपनीज बनाया, मेरे को लगता है गलती किया। अभी एक कंपनी भी बनाएंगे, वो उसका वैल्यूएशन आपके सामने रखा। ऑल्सो विजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंड करें दी अदर कंपनीज ऑल्सो, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, चाइना का डिपेंडेंसी कम कर सके, और वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके थ्रू हम पूरे OEMs को बेचेंगे। ओके, आपका नाम क्या था? निखिल। निखिल मेहर। मेहर आप इसको कैसे संभालते हो भाई? इस एनर्जी पावर पागलपन को कैसे संभालते? द सेम वे समीर हैंडल्स यू। आई एग्री अ बिट। आई डिडंट फील इट डिफिकल्ट, आई मीन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी राइट नाउ। आदत हो गया। नो बट दैट इज गुड, बिकॉज़ आई विल टेल यू, एज को-फाउंडर्स जब बिजनेस में आते हैं ना, तो अगर एक थोड़ा सा अलग टाइप का होता है तो दूसरा बंदा उसको बैलेंस कर लेता है। इट्स जस्ट अ परफेक्ट सेंस। अगर मेरी कंपनी में भी यही हुआ, अगर मेरा को-फाउंडर नहीं होता ना, ये कंपनी बंद हो जाती, क्योंकि मैं पागल हो जाता। मेरे को याद आ रही है, मेरे को अपने को-फाउंडर दिखाई दे रहा है उसमें, मेरे को आप अपने में दिखाई दे रहे हो। क्योंकि इम्पोर्टेंट है को-फाउंडर। यस। तो जब तक ये आपके साथ है, मैं आपके साथ। ठीक है? डेफिनेटली। चलो एक ऑफर बना बात। देखो एक सेकंड पीयूष,
हम साथ कर देंगे, वो तो goes without saying, boss. Thanks, I love you. देखो आप अच्छे हसलर हो और सबसे अच्छी बात है कि और गुड सेल्समैन बॉस. Yeah. लवली सेल्स. आई नो भले ही आपने वो ऑफर यहाँ बनाई पर आपने बना दी, तो इसका मतलब आज आप डील लेने आए हो, राइट? यस. कुछ भी करके. यस. हमारा ऑफर 1 करोड़ और 7.5%, जिसमें 3.75 अमन का है, 3.75 मेरा है, 50 लाख ईच. This is under the assumption of two conditions. वो investor और मैं जो investment करूँगा, दोनों का valuation same होना चाहिए और दोनों का company भी same होना चाहिए. Okay. Labs और Gearhead Motor एक combined entity बनेगा. Okay. जिसके अंदर मैं, अमन जो आपके investors हैं वो रहेंगे. क्योंकि हम merge कर रहे हैं, हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन 15 करोड़ मिनिमम रखना चाहते हैं. ठीक है, तो आप 15 रखना चाहते हैं? 15 रखना. 1 करोड़ के हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 लाख 50 लाख. yes. और आपको चाहिए 6.67% हम हमें दोगे. yes. डिवाइडेड इन बोथ ऑफ अस, करेक्ट? यस. yes. डन. yeah. डन. yeah. डील पक्की. डील पक्की. कांग्रेचुलेशंस. रुक रुक. उससे बच के रहना भाई. ये मेरा समीर है, मुझे, मैं तू हूँ, मेरे को समीर. अपन तो एक ही प्लैनेट के. मैं पैसे नहीं दे रहा. चलो मैं तो पैसे लेके आऊंगा कंपनी में. गुड लक, ऑल द बेस्ट. Hi Sharks, मेरा नाम है विनीत. Hello Sharks, मेरा नाम है दर्शील. Hi Sharks, माझं नाव आहे गीता पाटील. आणि मी, मला एवढे आज मोठ्या मंचावर मला खूप 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 आनंद झाला आहे. आराम सर. बोला बोला. हा, मला सगळं कळतंय तुम्ही काय सांगताय. बोला तुम्ही, मग त्यांना मी ट्रान्सलेट करून सांगणार. हाय सर, मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से शौक था. बहुत अच्छे. तो इसीलिए प्यार से लोग मुझे काकी काकी कह के बुलाते हैं. और मेरे शौक से ही मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए से. फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना चाहिए. तो फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि चल मेरे लिए उठ और मेरे लिए वेबसाइट बना दे. तो फिर उसने भी मान लिया और एक ही रात में पूरा वेबसाइट बना दिया. और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई. पाटिल काकी कैसा ब्रांड है जो होम स्टाइल नमकीन केटर करता है, जैसे चकली, चिवड़ा, मोदक, पूरणपोली और कई और तरह के लड्डू जो घर की याद दिलाते हैं. सुशाक्स, मार्केट में करंटली दो टाइप के स्नैक्स अवेलेबल है, लोकल एंड ब्रांडेड. लोकल सेलर्स लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स यूज करके बनाते हैं, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता. ऑन दी अदर हैंड, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होता है जो लोगों को नहीं पसंद. तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोगों को ऑफर करने के लिए पाटिल काकी लेकर आया है एक होम स्टाइल हाइजीनिक स्नैक्स. एंड वी सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट. शख्स, आज तक हमने 18,000 कस्टमर्स तक रीच आउट करा है. वाओ. एंड हमारा विजन ये है कि ये जो हम होम स्टाइल स्नैक्स बनाते हैं इनको हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाए. और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं. और हमारा आस्क है आज के लिए 40 लाख फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी. गणपति हो या दिवाली, खुशियाँ बांटेगी पाटिल काकी. आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए. मैंने विनीत. मैं काकी का बेटा. काकी का बेटा. मेरा नाम है दर्शील. आई एम विनीत्स फ्रेंड. अच्छा, मैं सोचा छोटे बेटे हो. नहीं 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 नहीं. तो वो लावारिस था तो हमने उसको ले लिया. आप क्या करते थे विनीत जी जब मम्मी ने कहा अरे बेटा उठ उठ वेबसाइट बना. वेबसाइट बना. एक आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं हमारी एक्चुअल स्टोरी का. ठीक है, तो स्टोरी कहीं कहीं 2016 से स्टार्ट होती है. ठीक है, जहां पे दो चीजें हुई. फर्स्टली, मेरी मॉम ने ये बनाना चालू करा स्नैक्स. एट द सेम टाइम मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करा था.
कौन सी क्लास में थे जब ड्रॉप किया? मैंने SSC कंप्लीट करा एंड आई थिंक कॉलेज दो महीना गया रहूंगा मैक्स। क्यों ड्रॉप कर दिया कॉलेज? सो मैंने 8th से ही मैंने कोड वगैरह करना स्टार्ट किया था, 9th से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो 11th तक मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स थे और मंथली सर्वाइवल के पैसे वहीं से बन जाते थे। वाओ। उसके बाद में मैंने और दर्शील ने मिलकर हमने पहले सोचा था कि हम एडटेक कंपनी चालू करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तब हम उतने मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमने वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी जो बिल्कुल भी एडिट करने के लायक नहीं थी। फिर उसके बाद दर्शील ने और मैंने साथ में एक IT सर्विस कंपनी चालू करी, जो हम एक अच्छे खासे स्केल तक लेके गए जहाँ से हमने पैसे भी बनाए। बट आफ्टर अ पॉइंट फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि इसको स्केलेबल बनाना है, तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने एक मैट्रेस कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद, विच वॉज अ D2C मैट्रेस ब्रांड, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी, मैंने लॉजिस्टिक सीखा, मुझे ये पता चला कि मतलब एक्चुअल में पैसे कमाए कैसे जाते हैं ये बिजनेस में और इसको स्केल अप कैसे किया जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years ओवर देयर फिर हम लोग वापस प्रोडक्ट के लिए ढूंढने लगे और प्रोडक्ट हमें फिर फाइनली घर पे ही मिला। दुनिया भर में तलाश कर रहे थे, प्रोडक्ट बैठा है घर में। वाह। आज काय बनवलंय नाश्ता? मस्त सुगंध येतोय। कांदा पोळी बनवते। संध्याकाळी काय करणार आहे तुम्ही डब्याला? मला पुरणपोळी आणि मोदक करून द्याल। आता पोहे नंतर मोदक बनवणार आहे। में जब मेरे मिस्टर की जॉब छूट गई थी, वो टाइम से घर खर्चा चलाना ये वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ने बोला अभी खाना इतना हम लोग अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आता था, तो फिर हम लोग ने BMC ऑफिस में नाश्ते से शुरुआत की। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। लॉकडाउन हुआ तो अभी बोले अभी फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी क्या करेंगे, तो फिर मैंने चकली चिवड़ा ऐसा स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके 10-15-20 ऐसे ऑर्डर आने चालू हो गए, काफी पसंद आ रहा है लोगों को। इतना तो हम लोग उसके ऊपर से मालूम पड़ा लॉकडाउन में हम लोग ने पाटिल काकी की शुरुआत की। काकी के साथ में 2019 से काम कर रही हूँ और पूरणपोली मोदक सब उन्हीं से ही सिखाए। फटाफट करायचे आहे, लवकर लवकर बाहेर ऑर्डर थांबलेत ना, कसे बरोबर आना चाहिए, साइड में सब डिझाईन अच्छे से दिखना चाहिए। काकी रहेंगे तो मतलब एक सपोर्ट रहता है माँ के जैसा, माँ है पीछे, कुछ गलती हो जाए तो संभालने के लिए। प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है। वाह 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 वाह। तो हमारे बाकी कहीं प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छे हैं टेस्ट वाइज भी एंड जो जिस तरीके से वो बनते हैं, तो हमें पाटिल काकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें नेशनल लेवल तक ले जाना। बट आई डोंट एग्री विद यू। I don't agree with them. With them? Yeah. उसको खाना खाना है इसलिए। आप कह रहे हो टेस्टी है टेस्टी है, हम बिना खाए तो नहीं बता सकते ना कि कैसा है। चलो अभी अभी आते खाने में आते हैं। हाँ। ये मोमोज जैसा लग रहा नहीं? नहीं वो मोदक है, मोदक महाराष्ट्रियन चिवड़ा। ये राइस का आटा होता है और अंदर कोकोनट एंड गुड़ होता है, बहुत यम्मी होता है। अरे डिजर्ट है। इसमें कितनी कैलोरीज है? बहुत कम है, खा ले, घर का बना हुआ ऑलमोस्ट स्टीम्ड है यार। ये बहुत अच्छा है, उगड़ी चा मोदक मैं बता रही हूँ, मतलब ये ले मेरा भी खा, तू ले ले इसको, दे दे कौन? हाँ दे 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 प्लीज, दे दे खुल जाए, तू भी दे दे। अच्छा है
ये चकली भी घर पे बना है? बाजनी ची चकली, अलग अलग इसके दाल रहते हैं। बेस्ट सेलिंग क्या है? बेस्ट सेलिंग मोदक। लेकिन मोदक का जो शेल्फ लाइफ होता है तो बहुत कम होता है, जैसे कि बनाया आपने बताया सुबह सुबह बनाया कोई फ्रेश, वो अच्छा टेस्ट होता है। वो क्या सोचा है आपने? ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं मोदक्स एंड पुरान पोलिस, दिस इज अ क्लाउड किचन प्रोडक्ट, एंड जो बाकी हमारे पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स है दोज आर स्केलेबल। जो बाकी लोग नमकीन का बिजनेस करते हैं, जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए, चाहे वो लेज हो गया या हल्दीराम हो गया या बीकानेर हो गया, तो ये होम स्टाइल नहीं होता। और ये होम स्टाइल होता है तो होम स्टाइल का डेफिनेशन क्या हुआ? मोदक बाहर हर जगह मिलता है, ठीक है, बट जो टेस्ट है या उसका जो लेयर मेंटेन करना इज अ टास्क, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम है बिकॉज अगर तुम मोदक मोल्ड से बनाओ, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, बट अगर तुम्हें उसका लेयर थिन रखना है तो तुम्हें उसको हाथ से बनाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द इशू, सेम गोज विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो इट इज कि हमें जो हमारी रेसिपीज है, हमें मशीन्स के अकॉर्डिंग हमें रेसिपीज नहीं चेंज करनी, हमें रेसिपीज के अकॉर्डिंग हमें मशीन्स लानी है। तो आप ये हाथ से बनाते हैं सब कुछ या मशीन्स? नहीं नहीं, सब हम हाथ से बनाते। सो अभी के लिए द प्रोसेस इज सेमी ऑटोमेटेड। आपकी थोड़ी थोड़ी पैकेजिंग देख ले, पैकेजिंग देख ले। दर्शील आप भी ड्रॉप आउट हो क्या स्कूल से? दर्शील को हमने 14 में ड्रॉप आउट करवा दिया। 14 मतलब 1 ईयर बिफोर ग्रेजुएशन। बढ़िया है। किसी ने हाथों से प्यार से मम्मी वाला खाना बनाया। ये आपने खुद किया है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग खुद किया? अमेज्ड हूं मैं कि आपने ये पैकेजिंग खुद ही बना लिया। हाँ नहीं, मतलब हमने खुद नहीं बनाई है, एक फ्रेंड फ्रीलांसर है उन्हीं से बनवाया। यार कमाल ही यार, ये तो बड़े बड़े एजेंसी 50-50 लाख रुपए ले लेते तो भी इतना बढ़िया पैकेजिंग नहीं बनाते। आप लोगों को कैसा लग रहा है अभी कि ये बिजनेस में करना क्या, मतलब क्या मोटिवेशन है आपकी? अभी के प्रोडक्ट्स वी फील मतलब काफी ज्यादा कमर्शलाइज्ड है, तो हम एक जो होमली फीलिंग है उसी को हम एक बड़े लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि ट्रस्ट फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। बट वो ट्रस्ट फैक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब वो मशीनें आ जाएंगी ना। नहीं बट टेस्ट एंड वो तो सेम ही रहा है। एफएमसीजी ब्रांड में दो ही तो डिफरेंशिएटर्स है, एक है ब्रांड नेम और दूसरा है टेस्ट। करेक्ट। आप दोनों ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है, इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते? लेकिन एफएमसीजी में एक तीसरी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आप बात नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो आप बेच रहे हो वो पूरा के पूरा आपकी वेबसाइट से बेच रहे हो? यस। तो आप उसे ऑफलाइन स्टोर्स में भी लेके जाएंगे? यस। तो कुछ काम शुरू हुआ है वहाँ? ये जो भी अभी पैकेजिंग है ये इट इज सिंपल, जब हम मैप और नाइट्रोजन फ्लशिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो 25-30 डेज की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ के 2-2.5 मंथ्स हो जाएगी। काफी बड़ी सोच है। मोदक्स में भी जैसे यू मेंशन्ड दैट वो एक ही दिन रहता है प्रोडक्ट, तो मोदक एंड मोमोस का जो स्ट्रक्चरल ये है वो काफी सिमिलर है, तो उसको भी हम डीप फ्रीज करके अगर हमें सप्लाई चेन उसका क्रिएट करना है इट इज पॉसिबल। आपने फंड रेज भी किया होगा? हाँ। जो हमने पहले हमारे मेंटोर्स के साथ एक छोटा क्लोज एसोसिएट्स राउंड किया था 7.5 लाख एट 10 करोड़ वैल्यूएशन, एंड अभी 2 मंथ्स पहले हमने एक राउंड करा है जहां पे 29 लाख हमने रेस करा है। ये किसने किया? एंजल्स? प्राइवेट एंजल्स। यस। कितने? 10 करोड़ वैल्यूएशन में। वाओ। आपका ईएसपी कितना है? 650। और कितने का बनाते हो? 25% लगभग लग जाता है रॉ मटेरियल, 5% पैकेजिंग पे लग जाता है, 15% एडिशनल डिलीवरी में जाता है, 55% ग्रॉस मार्जिन है, एंड मार्केटिंग इज एडिशनल 30%, बट वो वेरी करता है। तो बेसिकली 25% पर प्रोडक्ट बचता है आपका। तो आपकी टोटल सेल कितनी है? सेल के बारे में पिछले साल के नंबर्स बताओ। पिछले साल हमने 1.4 करोड़ का रेवेन्यू करा। वेरी गुड। और इस साल?
ये साल हमने 1 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस करा है, 1.02 करोड़। कितने साल कितना कर लोगे? करीब करीब 3 करोड़। भाई ये कितने कमाल की बात है, इनकी उम्र क्या है? 21 साल। कितना? 21। दोनों सेम है और एक ही क्लास के हैं दोनों। हे भगवान, ये मतलब सच में नए भारत के उभरते चेहरे हैं। मतलब ये उम्र में तो कोई सोच ही नहीं थी कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। 2 साल भी पूरे हुए नहीं और 2 21 साल के लड़के आज, मतलब उस टाइम 19 साल के थे। आपकी मदद करके आपने 3 करोड़ का धंधा बना लिया है और जगह जगह हमारे देश में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, खाली काम करने वाला चाहिए। Definitely. सच में कम, और आप जैसी माता चाहिए। ये पूरा का पूरा 3 करोड़ लोकल है। हाँ। हाँ। मंथली बर्न कितना है? सो मंथली जो बर्न है, मैं आपको लास्ट 3 महीने के फिगर्स बताता हूँ, ठीक है? इन द मंथ ऑफ जून हमने अराउंड 1,08,000 नेट लॉस करा। इन द मंथ ऑफ जुलाई हमने 2 लाख रुपीज का नेट लॉस करा। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हमने 6.5 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट करा। वेरी गुड। चल ठीक है विनीत, बहुत सुन लिया। मैं देखो ना एक ऑफर दूँ। शार्क से क्या चाहते हैं? चीजें करना और चीजें स्केल पे करना ही अलग। अब जैसे हमारे एक एडवाइजर है अभिजीत, ठीक है, वो हमें आगे की प्रॉब्लम्स के बारे में एक आइडिया बता देते हैं पहले से, ठीक है, कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है, एंड सेकेंड इज की मतलब पैसे तो चाहिए थोड़े। चलिए आज आपकी किस्मत बदलते हैं, 40 लाख फॉर 4%। आपने ऑफर दिया? Yes. और तुम्हारा ऑफर? मेरा तो बात ही नहीं करने थे, शरीफ शार्क हूं। अरे आप बोल रहे थे ऑफर करोगे, तो क्वेश्चन पूछ लिया ना आपने। अमन आपको बताना है ऑफर? आप लोग खत्म कर लो पहले फिर। मुझे आप लोग बहुत पसंद हो तो मैं बोल देती हूँ ऑफर। आई अनुपम्स ऑफर इज लॉट बेटर, बट मैं आपको देने वाली थी 40 लाख फॉर 10%, विच इज 4 करोड़ की वैल्यूएशन, which is more in line with जो logical valuation थी। आपको मिल गई है ज़्यादा पे, पर आपने बहुत छोटा amount raise किया है, तो मैं आपको दे रही हूँ ये offer। मैं चाहता हूँ पहले अमन बोलने, बेचारों को ये मौका नहीं दे रहा है। मैं मैंने ना लास्ट सीजन में 2 कंपनियों में उनमें इन्वेस्ट किया था। केरला चीज जब हम आए थे ना, तो 20 लाख पे था, पता कितने पे? गेस कर नंबर ले। प्रोबेबली अराउंड 1.5-2 करोड़। 2 करोड़ इन 1 ईयर। लेट्स ट्राई, 10 लाख पे था, 1 करोड़। खाली आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है, आप लोग अपने आप फोड़ लोगे। D2C आता है, मार्केट प्लेस में चलते हैं और इसको फोड़ते हैं। तो मेरी ऑफर आपके लिए है 40 लाख फॉर 5%, विच इज 8 करोड़ वैल्यूएशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, मैं अपना डिसीजन बना चुकी हूँ। तो एक तो आई लव योर एनर्जी, और ये जो आपका एक बैलेंस है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एनर्जी ऑफ यूथ, फैंटास्टिक। लेकिन इसमें आपका बिगेस्ट चैलेंज है स्केल, और आई थिंक इसमें अमन ने बड़े ब्रांड्स बनाए हैं, सेम विद द अदर्स, तो दे विल बी एबल टू हेल्प यू अ लॉट मोर, एंड उसके वजह से आई एम आउट। क्या लग रहा है पीयूष? मैं जुड़ना चाहूंगा ऑफर में। मेरे हिसाब से 4% इज अ फेयर वैल्यूएशन। आई एम हैप्पी टू जॉइन फोर्सेस। सो वही 40 लाख फॉर 4%। एक बात बताऊं आपको, ये टफ कैटेगरी है, बस खाली पैसे मैं जो है वो आप पे लगा रहा हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से यू वुड बी वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स। पाटिल काकी डिसीजन बताएंगी। सारे जाना पाइजे था माला, फिर तो डील बदलेगी। नहीं, मैं नहीं हूँ इन द 4-5% रेंज। नहीं, इसको 10% चाहिए ना। आप तीनों हो, बिकॉज़ तीनों भी है तो डील बदलेगी। नहीं, मेरे को नहीं करनी चारों के साथ, मैं अकेले करना चाहता हूँ। लास्ट एक ऑफर और देखो, देखो। अच्छा, न्यू ऑफर, काउंटर ऑफर, 40 लाख और 4%, बट एज अ सिंगल शॉट। तो आपके पास सेम वैल्यूएशन के दो ऑफर्स हैं,
एक में पीयूष और अनुपम 40 लाख फॉर 4% 10 करोड़ वैल्यूएशन और एक में अमन अकेले आएंगे 40 लाख फॉर 4%. मेरे को लगता है आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, राइट स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, पर ये 50 लाख 1 करोड़ की सेल के बाद कैटेगरी में सैचुरेशन आ गया. मेरा इंटरेस्ट वहीं पे रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इसको ऐसा स्केल कर लिया जाए कि कोई टच ही ना कर पाए. मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू करी है. मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब मुश्किल होती है लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती. और जो मैंने आपको इन दोनों चिप्स वालों को बताया है, क्योंकि आप लोगों को अपना बिजनेस आता है, मेरे को अपना बिजनेस आता है, मैं खाली आपको गाइड कर सकता हूँ. और आपने देखा है मैंने गाइड सही करा जो वो वहाँ पहुंचे. वो कॉम्पिटिशन है भाई आपके लिए. मैंने कॉम्पिटिशन नहीं है, वो बनाना चिप्स थोड़ी बनाते हैं वो. मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच कंपनीज में इन्वेस्ट किया. फर्स्ट चेक जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में राजा है, राइट, दे हैव क्रिएटेड वैल्यू हजारों करोड़, नॉट 1 करोड़ और 2 करोड़. आपको डिसाइड करना है अभी के लिए कि आपको क्या चाहिए. अच्छा करके आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ. अरे बहुत मुश्किल डिसीजन है. स्टफ अगर अमन आते हैं करेक्ट तो वो इतनी सारी स्केलेबिलिटी ऐड अप कर देंगे. हां मतलब यार वो तो फॉर श्योर है. क्लोज इन दोनों को लेंगे. मैं तो जा रहा हूं, दो शार्क के रोल में बट दूंगा अंश. नहीं ठीक है, द लास्ट क्यू यार, तुमने बना लिया अपना ब्रांड मार्केटिंग का, तो शायद तुमको ले लेंगे. पीयूष और अनुपम हम आपके साथ जाना चाहते हैं. अरे अमन को हम ले आएंगे यार, थोड़ा सा बनाना. कांग्रेचुलेशन, पहले मैं इन्हीं को दे देता हूं, काकी है. Hello. Oi. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आग लगा रहे हैं. Hey! Oh my God. Fire marshals are supposed to put fires out. यार बड़ा खतरनाक एंट्री है. चाक, आग लग तो गई है पर इसे बुझाएगा कौन? आप चिंता ना करें. थैंक यू. और मेरे साथ बोले, फटेगा बम बुझेगी आग. तो बोले, फटेगा बम बुझेगी आग. आप डरिए मत, ये धमाका आपकी सेफ्टी के लिए था. ओह माय गॉड भाई, इतना बड़ा धमाका और कहते हो डरिए मत. ये धमाके का अलर्ट है ताकि हमें आसपास अप्रिय घटना हो रही है उसकी मैसेज मिल सके कि क्या हुई है, ताकि हम अलर्ट हो सके. साथ मैं हूँ ब्रांड्स डैडी का ओजी डैडी रोशन मिश्रा. ओजी डैडी. और मैं इनकी वाइफ अंकिता मिश्रा. ओजी मम्मी. आग लगने पे 90% लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने ही नहीं आता और उन्हें वेट करना पड़ता है फायर ब्रिगेड के आने का. तब तक ये छोटी सी आग बहुत बड़ी हो सकती है और कई बार तो ये हमसे हमारे अपने सपने और भविष्य छीन लेती है. आज हमारे देश में 66% शॉर्टेज है फायर स्टेशंस की और 78% शॉर्टेज फायर इक्विपमेंट्स और 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की. आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करें ब्रांड्स डैडी एफी ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल. ये इतना आसान है, एक बच्चे से लेके किसी एज ग्रुप के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के. इसकी सेल्फ लाइफ 5 ईयर्स विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट है और एक पोर्टेबल डिवाइस है. साथ ही साथ यह 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसे हम अपने ब्रांड्स वाली फैक्ट्री में तैयार करते हैं और
सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर में ये है कि आज हमारा प्रोडक्ट न केवल गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल टॉप कॉर्पोरेट फायर ब्रिगेड बीएसएफ आईओसीएल इंश्योरेंस कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मिशन है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी पहले आग बुझा सके और छोटी आग को बड़ी दुर्घटना होने से रोक सके। इसी के लिए साथ हम आ जाए हैं आपके पास 70 लाख के सामने 5% इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का लेके। Why fear when AF is here? Awesome. बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। Thank you. रोशन अंकिता बहुत धमाकेदार प्रेजेंटेशन था। आई थिंक ग्रेट कॉज, यू नो, हमारी ओन सोसाइटी में 10 से ज्यादा जाने जा चुके हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। मुंबई में ये बहुत कॉमन है एक्चुअली। तो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। आप दोनों इसमें कैसे घुसे, आपने कैसे फिगर आउट किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी करियर वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट जॉब से स्टार्ट हुई, वो है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल्स मैनेजर के हिसाब से। अच्छा जी, वाओ। मेरी करियर स्टार्ट हुई भारतीय एक्सा से लेकर के टाटा एजी, एंड देन आई वाज बीन रिक्रूटेड फॉर अ स्ट्रेटजी हेड इन वियतनाम। अच्छा जी। आई वाज हैंडलिंग AIA एंड मनु लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देयर एज अ प्रोजेक्ट हेड। उसके बाद मैं इंडिया आया और सीज होकर हम सोचे कुछ करने के लिए। इट वॉज अक्टूबर नवंबर, कमला मिल इंसिडेंट हैपेंड। वो इतना मुझे ट्रिगर कर दिया और उसने मुझे 30 साल पहले ले गया। जब हम दरभंगा से मुंबई कांदिवली एक जगह आए थे, मेरे डैडी मिल वर्कर थे, तो 30 साल पहले एक एरिया है गणेश नगर जहाँ आग लग गई थी। हमारा पहला ही घर जो स्लम तो खत्म हो गया, तो उसने मोबाइल हुआ नहीं करता था। तो हम कांदिवली स्टेशन पे रात निकाले थे, मैं 5-6 साल का हूँगा। तो मेरे पिता जी रोए थे, फर्स्ट चाइल्ड हूँ तो आई वॉज ऑलवेज क्लोज टू माई डैड एंड मॉम, तो मुझे याद था। फिर मैं इस पर रिसर्च करने लगा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहाँ पे पहले तो जो ये विक्टिम है वो आग में जाए ही ना। तब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में मैंने डेवलप किया। तो आपने डेवलप किया, अब कहाँ पहुँचे हो इस प्रोडक्ट को लेकर? 4 सालों में इस प्रोडक्ट पे हमने फुल्ली जो काम किए है, ऑन मार्केट गए हैं, फायर ब्रिगेड हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। वाओ। और आज एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की नंबर 1, उनका हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आज इंडिया में आप कहीं भी उनसे फायर इंश्योरेंस लेते हो, मेरा बॉल उन्हें मैंडेटरी मिलता है। ओह वाह। अभी आप ये बताइए, आप इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके मंथली सेल्स क्या है? मेरे लगभग मंथली सेल्स 12 से 12.5 लाख रुपए मंथली सेल्स है आज के टाइम। अच्छा, 14 करोड़ वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हैं? लास्ट ईयर अगर मैं इससे पहले ईयर देखूं, मैं 51 लाख से 1.45 करोड़ रुपए में पहुंचा हूं, तो 3 टाइम्स में ग्रो किया हूं। नेक्स्ट मंथ हम मॉल्डीव्स में लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे सैंपल्स अप्रूव हो चुके हैं, अब वहां मार्केट रीच कर रहे हैं। पर आपका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है अभी वो फायर ब्रिगेड्स एंड ये सारे से आ रहा है जो इस बिजनेस में है कि कंज्यूमर से आ रहा है? हम एक फिलहाल कंप्लीटली B2B कंपनी है। ये वाली आग अगर इससे 10 गुना बड़ी होती, आपने गोला फेंका होता, तो वो खत्म हो जाती कुछ सेकंड के लिए, 8 से 10 सेकंड के लिए वो साइलेंट, मतलब कम हो जाती, उसकी टेम्परेचर बहुत लो हो जाती, आप वहां से रेस्क्यू कर सकते थे। नहीं, लेकिन इसमें जो आपने 1.4 करोड़ का सेल्स किया है, उसमें ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट क्या है, पैसे बना रहे हैं आप? बिल्कुल, हम डे 1 से प्रॉफिटेबल रहे। ग्रॉस मार्जिन 60% है और हमारा करंट नेट प्रॉफिट 10% है। और इसका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? B2B में वी आर सेलिंग एट अराउंड 1000 से लेके 1500 तक पड़ता है। इट्स अ स्लैब प्राइस। एक बॉल 1000 से 1500 B2B में, और इसकी MRP 5000 रुपीज है। यही प्रॉब्लम है मेरे को आपके प्रोडक्ट से, ये B2C प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है इसको बेचना। B2C में यस, इट्स अ कैपिटल इंटेंस है, मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वी हैव अ प्लान, हमने कुछ शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने खड़े किए हैं, हम उनको लीड देते हैं, वो उन्हें सप्लाई करते हैं। ये मॉडल में पूरी जिंदगी निकल जाएगी B2C में। बेस्ट मॉडल यहाँ पर B2B है विद को ब्रांडिंग, मैं ये समझता हूँ। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग अज्यूम करते हैं कि जो भी बुरा होगा हमारे साथ नहीं होगा, एंड काफी लाइटली लेते हैं सारी चीजों को। तो आई थिंक मेरा इसमें ज्यादा आपको मदद नहीं मिल पाएगी, बिकॉज आई, यू नो, मुझे कंज्यूमर बिजनेस से ज्यादा समझ आते हैं। सो आई एम आउट फॉर नाउ।
देखिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है, मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं इसमें वैल्यू ऐड कर पाऊंगा पर्सनली, बट जो काम कर रहे हैं बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो B2C में नहीं आएगा, वो B2G में आएगा, B2 गवर्नमेंट में, तभी जाके ये एक मास इम्पैक्ट मिला। Yeah. So I would disagree with that. क्योंकि not just B2G, I think B2B में भी काफी पोटेंशियल है। इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनीज, काफी सारे एरियाज में मार्केट बड़ा है। आपने सेल्स डेमोंस्ट्रेट किया है 1.4 क्रॉस का और वो प्रॉफिटेबल भी है। आपको मदद चाहिए B2B कनेक्ट्स में। कनेक्शंस जो है ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपकी वेल्थ रेवेन्यू नहीं है, कनेक्शन है। राइट कनेक्शन मिले तो जो दूरिया में 10 मिनट में तय कर सकते हो, 2 मिनट में भी हो सकता है। मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी, क्योंकि आपका 1.4 करोड़ रेवेन्यू है, आई थिंक 5 टाइम्स मल्टीपल इज वेरी फेयर, तो मैं आपको 7 करोड़ का वैल्यूएशन देना चाहूंगी, जहां 35 लाख मैं आपको इक्विटी के तौर पे दूंगी फॉर 5% स्टेक, एंड बैलेंस 35 लाख मैं आपको 12% डेट पे दूंगी। काम बहुत अच्छा है आपका, B2G का काम है। अभी मेरे को लगता है नमिता सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऑफर नहीं दे रहा। इतने शरीफ। हाँ शरीफ शाह। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं एक इंश्योरेंस कैटेगरी में डालूं, और इंडिया में इंश्योरेंस जो है वो एक पुश बिजनेस है, कोई उठ के नहीं कहता मैं इंश्योरेंस खरीदूं। तो B2C में इसमें बहुत सेल्स एफर्ट और बहुत लंबा अरसा लग जाएगा, तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑफर है, मैं आउट हूँ, और ये बहुत अच्छा ऑफर दे रही हैं आपको, आई थिंक यू शुड टेक इट विद बोथ योर हैंड्स। हमारा एक छोटा सा काउंटर ऑफर है। मैं आई एम सॉरी, प्लीज नमिता रिक्वेस्ट, आप सुन लीजिए। ठीक है, बोल दीजिए, है ना, एटलीस्ट 50 लाख फॉर इक्विटी और 5%, रेस्ट कुड बी इन डेब्ट। वैल्यूएशन बदल जाता है ना फिर, अगर 50 लाख फॉर 5% तो 10 करोड़ हो जाता है, एंड आई विल टेल यू 1.4 करोड़ इज एज गुड एज नो रेवेन्यू, बिकॉज़ आपका जो है ना नॉन रिकरिंग है, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, वो लाइफ टाइम सेल्स नहीं है, तो आप डिसीजन दे दीजिए। जैसे गुजराती में कहा जाता है, जय श्री कृष्णा, स्वागत करते हैं। बहुत सारा मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बिजनेस को फंडिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ। नमिता, इसमें एक जान भी बच जाती है ना, योर इन्वेस्टमेंट इज टोटली वर्थ 100%। वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद यू। आज हमारे पास डैडी थी, आज माँ भी आ गई। फार्मा फार्मा फार्मा, आई लाइक दैट। थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी नाइस, सुपर। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। शार्क एक्सपीरियंस में हम शार्क्स को और भी गहराई से जानेंगे। जमशेदपुर से साहिल का सवाल है, मैं एक अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 19 इयर्स है, लेकिन मेरी टीम के सभी मेंबर्स उम्र और एक्सपीरियंस में मुझसे बड़े हैं, मैं उनका ट्रस्ट कैसे जीतूं और उनकी नजरों में काबिल कैसे बनूं? साहिल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लेंसकार्ट में जब मैंने शुरू किया था 26 साल की उम्र में, तो मेरी टीम में सभी मुझसे बड़े थे, पर मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि रिस्पेक्ट एज की नहीं होती है, रिस्पेक्ट विजडम की होती है। आपको कितनी नॉलेज है, आप जो बोल रहे हैं उसमें कितना सब्सटेंस है, वो मैटर करता है, तो आप उसी पे फोकस करिए। आप अपने से बहुत सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर सकते हैं, आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। फ्यूचर जो है वो विजडम का है, एक्सपीरियंस का नहीं है।